हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम हेपेटाइटिस डिजीज के बारे में जानेंगे, हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में डिटेल से जानेंगे। हेपेटाइटिस ई के बारे में जानने से पहले हम हेपेटाइटिस के बारे में जान लें थोड़ा सा। हेपेटाइटिस क्या होती है? हेपेटाइटिस डिजीज जो होती है वो लीवर में इन्फ्लेमेशन के कारण होती है। मीन्स लीवर में जो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसको हेपेटाइटिस डिजीज बोलते हैं। जैसा कि हेपेटाइटिस के नाम से ही पता चलता है, हेपेटाइटिस, हेपेट प्लस आई टिस, हेपेट मतलब लीवर, इटिस मतलब इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग, लीवर में स्वेलिंग, लीवर इन्फ्लेमेशन। फिर आते हैं हेपेटाइटिस के कारण क्या क्या होते हैं, क्यूजेस क्या होते हैं। हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से भी हो सकता है। जो हेपेटाइटिस वायरस होते हैं ए बी सी डी ई, ये कारण भी हो सकता है हेपेटाइटिस डिजीज का। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो भी हेपेटाइटिस डिजीज हो सकती है, लीवर में स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। अगर हम ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो भी हेपेटाइटिस डिजीज हो सकते हैं ड्यू टू अदर क्यूजेस। और भी कोई कारण हो सकता है, जैसे हमने कोई हैवी डोज ले लिया, दवाई ले लिया, कोई ड्रग वगैरह यूज ले रहे हैं हम, तो उसकी वजह से भी हमारे लीवर में जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है, स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, जो कि हमारा हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। हेपेटाइटिस डिजीज जो है, अगर वो सिर्फ स्वेलिंग वगैरह है तो वो हेपेटाइटिस डिजीज कहलाएगा। बट इफ़ इन केस लीवर में ज़्यादा ज़्यादा डिजीज हो गई है, कैंसर वगैरह भी हो सकता है अगर हेपेटाइटिस डिजीज बढ़ जाती है तो। हेपेटाइटिस वायरस जो हमने, कौन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी सी डी ई। ए और ई जो है वो मेनली सिमिलरली ही होते हैं दोनों एक जैसे। हेपेटाइटिस ई जो है वो, जैसे अगर कोई इंसान फैश वगैरह होने के बाद हाथ वगैरह नहीं धोता है, ये जो फिर उसके बाद वो जिस भी चीज़ को वो छूता है उसमें जो है वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल लग जाता है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस ई डिजीज़ जो है वो होती है। हेपेटाइटिस ई इज़ अ लीवर इन्फेक्शन क्यूज्ड बाय द हेपेटाइटिस ई वायरस। लीवर में इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से वो हेपेटाइटिस ई डिजीज़ कहलाता है। एच ई वी इज़ हेपेटाइटिस ई वायरस इज़ फाउंड इन द स्टूल ऑफ एनी इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके स्टूल में जो है हेपेटाइटिस ई वायरस पाया जाता है। हेपेटाइटिस ई वायरस जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो फ्रेश हुआ है, उसके स्टूल में इन्फेक्शन है और उसने जो है हाथ वगैरह नहीं धोए नॉर्मली, जो जिस भी चीज़ को छुएगा वो वायरस जो है वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, और उसके बाद जो भी पर्सन उसको छुएगा वो वायरस उस चीज़ से दूसरे इंसान में हो जाएगा। इट इज़ स्प्रेड व्हेन समवन अननॉलेजिंग इंजेस्ट द वायरस इवन इन माइक्रोस्कोपिक अमाउंट। और ये जो वायरस है मेनली स्लम एरिया वगैरह में देखने को मिलता है। और देखिए, ये जो स्टूल है इस पे जो भी चीज़ लगेगी, मतलब मच्छर मक्खी वगैरह जो भी कुछ इस पे लगेगा वो सारी चीज़ें हेपेटाइटिस ई वायरस के उसमें आ जाएगी। उसके बाद वो चीज़ जहाँ भी टच करेगी वो दूसरे इंसान को इन्फेक्टेड करेगी। हेपेटाइटिस ई के सिम्टम क्या हैं? हेपेटाइटिस ई के सिम्टम्स जो है वो कुछ लोगों में देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों में देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे जिन लोगों में इसके सिम्टम देखने को मिलते हैं तो वो क्या होता है, फीवर बुखार हो रहा है, फैटिगो मतलब ज़्यादा वेट उसका इंक्रीज़ होता जा रहा है पेट का, लूस ऑफ एपिटाइट मीन्स भूख ना लगना, न्यूसिया, वॉमिटिंग होना, अब्डोमन पेन, पेट में दर्द होना, जॉन्डिस होना या डार्क यूरिन आना, ये सभी इसके सिम्टम हैं कि आप हेपेटाइटिस ई वायरस से ग्रस्त हैं। फिर आता है हेपेटाइटिस ई वायरस जिसको है उसकी कैसे एग्जामिनेशन किया जा सकता है, कौन से टेस्टिस कराने चाहिए उसको। तो यूरिन एग्जामिनेशन टेस्ट वो अगर कराते हैं तो भी इस टेस्ट का, इस हेपेटाइटिस ई वायरस का पता चल सकता है कि पेशेंट जो है हेपेटाइटिस ई वायरस के हो रखा है उसको। लीवर
इन्फेक्शन टेस्ट, LFT टेस्ट अगर वो कराते हैं तो उससे उसके लीवर में कोई इन्फेक्शन है या नहीं वो पता चल जाता है, तो उससे भी वो हेपेटाइटिस ई वायरस में उसको हुआ है या नहीं हुआ है वो पता चल सकता है। इफ़ इन केस मान लीजिए कि उसको जो है इन दोनों टेस्ट से नहीं पता चल रहा है तो फिर IgM HEV टेस्ट भी करा सकते हैं। फिर अगर इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है, डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं इसके लिए, तो डॉक्टर कंप्लीट बेड रेस्ट देंगे, अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी, डाइट लाइट फूड, शुड टेक मोर फ्लूड, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड मेडिसिन विच हार्म लीवर। कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे डॉक्टर डाइट जो है वो पर्टिकुलर ले, लाइट डाइट ले, जो पानी पीते हैं वो बॉयल वाटर पिए और अल्कोहल को अवॉइड करें और लीवर ऐसी कोई भी चीज़ कैरी ना करें, मेडिसिन वगैरह ना लें जो लीवर को हार्म पहुंचाती हो। प्रिवेंटिव एक्शन, हेपेटाइटिस डिजीज़ ना ही हो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। हेपेटाइटिस के लिए देखो कोई वैक्सीन वगैरह नहीं बनी है इसके लिए, जैसे हेपेटाइटिस सी के लिए हमें बचपन में ही मेडिसिन लगाई जाती है, 16 से 17 डेज के बच्चा जो होता है उसको हेपेटाइटिस सी का वायरस से बचने के लिए वैक्सीन लगाई जाती है, बट हेपेटाइटिस ई के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। इट स्प्रेड बाय फोकल ऑरल रूट बाय, सो हाइजीन मस्ट बी मेंटेन टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ डिजीज, मस्ट क्लीन हैंड आफ्टर टॉयलेट एंड मस्ट हैंड वॉश आफ्टर बिफोर ईटिंग, वॉश बिफोर ईटिंग, कुछ भी खाने से पहले हाथ धोएं, फ्रेश वगैरह होने के बाद हाथ वगैरह धोने चाहिए और कोई भी ऐसी मतलब हाइजीन रखनी चाहिए अपने आसपास ताकि हमें हेपेटाइटिस डिजीज ना हो। और जो पानी पीते हैं वो भी बॉयल करके पीना चाहिए ताकि जो पानी के अंदर भी जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाएँ।